गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग एनिमल हस्बेंड्री की बात करेंगे। हालांकि इस टॉपिक को हम कल ही स्टार्ट कर चुके हैं। तो हम लोग कल बात कर रहे थे कि मिल्क प्रोडक्शन पे किन किन चीजों का इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि अगर कोई काउ मिल्क प्रोड्यूस कर रही है तो उस प्रोडक्शन के ऊपर किन किन चीजों का इन्फ्लुएंस पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है उसकी ब्रीड का, कि किस ब्रीड को आप लोग यूटिलाइज कर रहे हो, कौन सी ब्रीड आप यूज कर रहे होते हो। इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रीड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक अच्छी ब्रीड को यूज कर रहे हो, लाइक आप रेड सिंधी को यूज कर रहे हो या ब्राउन स्विस को यूज कर रहे हो, ये नाम है ब्रीड्स के, होलिस्टीन फ्रिसियन को यूज कर रहे हो, ठीक है। इस तरीके से इसके अलावा जर्सी, आपने सुना भी होगा जर्सी काउ, इनको यूज कर रहे हो, तो इनके द्वारा दिया जाने वाला जो मिल्क होता है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही काफी अच्छी होती है। तो क्वालिटी ऑफ मिल्क भी अच्छा मिलेगा और आपको उसकी क्वांटिटी भी अच्छी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक दो किलो दूध दिया, अच्छी क्वालिटी का दे दिया, नहीं, क्वालिटी भी अच्छी होगी और उसकी क्वांटिटी भी अच्छी होगी एज कम्पेयर टू द अदर ब्रीड जो भी होती है, उनके अलावा ये अच्छी देती है। दूसरा होता है बेटा, दूसरी चीज जो इन्फ्लुएंस करती है आपके मिल्क प्रोडक्शन को, दैट इज देयर लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड का क्या मतलब होता है बेटा, कि कितने टाइम में, कितना लंबा टाइम तक कोई भी जो काउ होती है वो दूध देती रहती है, ये वो पीरियड होता है, जितना टाइम पीरियड अप टू विच ए काउ कैन गिव मिल्क, काउ और बफेलो जो भी गिव मिल्क, कितने लंबे टाइम तक दूध को दे सकती हैं, दूध को कर सकती हैं, उसको हम बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। रेड सिंधी की अगर हम बात करें तो ये 230 से 345 दिन का होता है, इनके ऑलमोस्ट नियर टू वन ईयर, ठीक है। होलिस्टीन पूरा एक साल, ठीक है, लगभग 365 दिन तक वो दूध देती रहती है, ठीक है। तीसरी चीज होती है सीजनल चेंजेस। सीजनल चेंज बहुत इफेक्ट करते हैं, आपने देखा होगा, यूं बोलते हैं कि सर्दियों में तो दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि गर्मियों में दिक्कत आती है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं जो दूध मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो गर्मियों में कम हो जाता है, डाउन हो जाता है समर में और बढ़ जाता है विंटर्स में। तो सीजनल चेंजेस का बड़ा फैक्टर पड़ता है। अगर डिजीज एनिमल है, चौथा परफेक्ट क्या करेगी उसकी हेल्थ। अगर कोई भी एनिमल डिजीज है, अगर किसी भी एनिमल को बीमारी लगी हुई है ना, एक तो उसका दूध का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, दूसरा उसको कोई लेना नहीं चाहेगा, तो मिल्क प्रोडक्शन बड़ा इफेक्ट होता है हेल्थ पे। अगर डिजीज एनिमल है, हैव लो क्वालिटी एंड क्वांटिटी मिल्क, तो उसकी क्वालिटी भी घट जाएगी और क्वांटिटी भी घट जाएगी, ठीक है। फिर आता है फीड ऑफ कैटल, किस तरीके का खान पान आप उसको दे रहे हो। अच्छा खाना जो होगा ना वो आपके एनिमल को हमेशा क्या करेगा, अच्छा दूध देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अगर आप अच्छा हल्का खाना देते हो तो उसको खाना जो है वो अच्छे से कर नहीं पाएगा। तो ये मिल्क प्रोडक्शन के कुछ इन्फ्लुएंस है कि अगर आपने मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल यूज करना है तो क्या क्या चीजें उसको मिल्क प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करती हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज आती है तो वो मिल्क प्रोडक्शन का पर्पज का, लेकिन आप एक चीज देखिए, एनिमल भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो हम लोग क्या करवाते हैं, सेकेंड स्टेप में ब्रीडिंग करवाते हैं ऑफ डिजायर्ड एनिमल। हम लोग क्या करते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं। ब्रीडिंग का मतलब क्या हुआ, हम लोग इंडिजीनियस वैरायटी, जो हमारी देसी वैरायटी होती है, उसका क्रॉस करवाते हैं एक्सोटिक वैरायटी से। इंडिजीनियस वैरायटी का क्रॉस करवा देते हैं बेटा एक्सोटिक वैरायटी से, ताकि आपकी जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बढ़ सके। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा सिलेक्टिव ब्रीडिंग। क्या बोलते हैं इसको, सिलेक्टिव ब्रीडिंग, यानी हमने अच्छी अच्छी चीजों को सिलेक्ट करा, अच्छे अच्छे ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करा और उसके आपस में क्या करवा दी बेटा, ब्रीडिंग करवा दी। यहाँ पे जो एक्सोटिक ब्रीड होती है उसको हम लोग पर्पज होता है, देखो इंडिजीनियस को आप लोग क्यों यूज करते हो, क्योंकि वो वहां के एनवायरमेंट के लिए और डिजीज के लिए रेसिस्टेंट होती है। ये एनवायरमेंट फैक्टर के लिए और डिजीज के लिए रेसिस्टेंस होती है इसके अंदर, तो इसीलिए देसी वैरायटी को यूज करते हैं। एक्सोटिक को भी यूज करते हो फॉर देयर लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड, उनका लैक्टेशन पीरियड लंबा है इसलिए यूज करते हैं, और किस लिए यूज करते हैं बेटा, और यूज करते हैं ताकि हाई यील्ड मिल सके, हाई प्रोडक्शन ऑफ मिल्क हो सके। तो ये
लंबा टाइम दूध देते हैं और बहुत ज्यादा दूध देते हैं, हाई यील्ड ऑफ मिल्क। इस तरीके से आप लोग ब्रीडिंग करवाते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग इंडिजीनियस विद द लोकल वैरायटी, लोकल विद द एक्सोटिक वैरायटी, ताकि मिल्क प्रोडक्शन आपका अच्छा हो सके। यहाँ पे हम ब्रीडिंग के लिए या तो नेचुरल मेथड यूज करेंगे, डायरेक्टली उनकी मेटिंग करवा देंगे, या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे, या बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे इसके बारे में। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि मेल के स्पर्म को इकट्ठा करके फीमेल की वजाइना में डाल दिया जाएगा ह्यूमन की हेल्प से, आर्टिफिशियल नेचुरली डायरेक्ट मेटिंग करवा दी जाएगी मेल और फीमेल की, इस तरीके से। जैसे इसके हमने एक नाम लिखा था ब्राउन स्विस, होलिस्टीन फिशिन, ठीक है, इस तरीके की कुछ ऑर्गेनिज्म है ब्राउन स्विस वगैरह जो यूज करी गई है एक्सोटिक ब्रीड के तौर पे, इनको हम एज एक्सोटिक ब्रीड के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है ना, और उनको हम अपने देसी वैरायटी से क्रॉस करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है, लाइक हमने बनाई हुई है करण स्विस, तो ये करण जो नाम आया है करनाल से आया है, करण फ्रीस, करनाल में जो है आपका नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहां पे ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराई जाती है, ये आपकी देसी वैरायटी, तो उन्होंने अपना ही नाम दे दिया करण करनाल से, स्विस बाहर की वैरायटी है करण फ्रीस, ठीक है। इस तरीके से वैरायटीज डेवलप की जाती है बाय द आर्टिफिशियल मेथड। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है बेटा, जब आप एनिमल हस्बेंड्री कर रहे होते हो, प्रॉपर हाउसिंग यानी कि अच्छा घर, साफ सुथरा घर सबको चाहिए, आपको भी बैठना है उठना है तो प्रॉपर हाउसिंग चाहिए होती है, साफ सुथरा घर चाहिए होता है, तो प्रॉपर हाउसिंग यहाँ पे आता है, खुला होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, पूरी सनलाइट आनी चाहिए, एनिमल क्या किसी प्रकार का कोई थेफ्ट का नुकसान नहीं होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, गर्मी बारिश सर्दी इन सब से वो बचाए, तो इस तरीके से आपका जो हाउसिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। फिर आता है आपका फीडिंग, फीडिंग होता है खाना, तो हम लोग दो तरीके का खाना देते हैं एनिमल्स को, रफेज की फॉर्म में और कंसंट्रेट की फॉर्म में। रफेज जो होता है वो फाइबर प्रोवाइड करता है, जैसे कि जो भी आप तूड़ा वगैरह डालते हो ना, हरा चारा डालते हो, तूड़ा डालते हो, वो सारा आपके रफेज में आता है। इसके अलावा खल पिलोड़े वगैरह जो होते हैं वो आपके कंसेंट्रेट में आते हैं, दे प्रोवाइड द फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो ये खाने में ये चीजें प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये कंसेंट्रेट और रफेज का एक प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट उनको देनी पड़ती है ताकि उनका प्रोडक्शन ऑफ मिल्क अच्छा हो सके। तो हम लोग रफेज में काऊ पी बरसीम वगैरह, ये आप लोगों को ज्यादा पता है जिन लोगों के घरों में एनिमल की एनिमल को पाला जाता है, गाय भैंस रखी जाती है, दे नो वेरी वेल कि रफेज में हम क्या दे रहे हैं और कंसेंट्रेट में हम लोग क्या दे रहे होते हैं। फिर आती है बेटा लास्ट, डिजीज ऑफ कैटल, कैटल की डिजीज, कौन कौन सी डिजीज है, तो कैटल्स को बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, निमेटोड्स, टिक, माइट, ये सारे इफेक्ट करते हैं, टिक माइट्स ये सारे के सारे जो है उसको इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा वर्म्स, फ्लूक, ठीक है, लेकिन मैं मेन मेन डिजीज यहां पर, ये सारे के सारे पैथोजन है, दीज ऑल आर द पैथोजन्स विच कॉज डिजीज इन द एनिमल। कुछ एक के मैं यहाँ पे डिजीज के नाम लिख रही हूँ, लाइक एंथ्रेक्स ड्यू टू बैक्टीरिया, एंथ्रेक्स किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया बैक्टीरियल डिजीज है, सेप्टिसीमिया बैक्टीरिया की वजह से होता है, फुट एंड माउथ डिजीज वायरल डिजीज है, फुट एंड माउथ ये वायरस की वजह से होता है, रिंडरपेस्ट ये नाम आपने शायद सुने भी हो कहीं, ये भी वायरल है, ट्यूबरक्लोसिस ये बैक्टीरियल। तो इस तरीके से बैक्टीरिया और वायरस जो सबसे ज्यादा हार्मफुल होते हैं इन ऑर्गेनिज्म के लिए। तो यहाँ पे आपकी बेटा एनिमल हस्बेंड्री खत्म हो जाती है, सॉरी कैटल फार्मिंग खत्म हो जाती है, एनिमल हस्बेंड्री भी चल रही है तो कैटल फार्मिंग का यहाँ तक है। अब इन सारी बीमारियों के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वैक्सीनेशन करवाते हैं, टाइम टू टाइम डॉक्टर की विजिट लेते हैं, अगर थोड़ा सा भी मिल्क प्रोडक्शन में कमी आ रही है या एनिमल थोड़ा महसूस सीख महसूस कर रहा है तो हम लोग जो भी वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं उनकी विजिट लेते हैं ताकि
उनका ध्यान रखा जा सके। और अगला टॉपिक जो है हमारा पोल्ट्री फार्मिंग का होगा, उसकी हम बात करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।